बात करने भाषण तो एक तारीख तक बहुत लोग आएंगे जैसे ऐसे ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे और बड़े लुभावनी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े वायदे करके जाएंगे, कई तो टेलीफोन नंबर लेके जाएंगे, कभी लोग पड़े मुझे याद कर रहे हैं। आप क्या पैसा याद कर करके? लेकिन चुनाव के बाद फिर उनके नंबर मिलेंगे बंद होंगे। सुनो भाई, मैं तो आज आपसे मिलने आया था और आपसे पूछने आया था, यादवपुर में चुनाव की नौबत क्यों आई? चुनाव तो दो तीन कारणों की वजह से होते हैं। एक कारण तो चुनाव का सबसे बड़ा ये होता है कि अगर विधानसभा का सदस्य परमात्मा ना करे उसकी मौत हो जाए तो उपचुनाव कराया जाता है। दूसरा उपचुनाव का कारण यह भी हो सकता है कि किसी को वोट से आगे घोषित कर दिया जाए, किसी ने चुनाव में कोई गड़बड़ी कर रखी और वोट फैसला उसके खिलाफ कर दे तो इसके उपचुनाव हो जाता है। और यह उपचुनाव इसलिए होता है कि हर प्रदेश के इस किस्म के बने कि किसी विधायक को अपने प्रदेश के की लड़ाई के लिए इस्तीफा देना, इसके उपचुनाव हो जाता है। आप याद करो सन 1986 के अंदर चौधरी भजनलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और चौधरी देवीलाल अपोजिशन लीडर थे। एक राजीव लोकसभा समझौता हुआ था और उस समझौते के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया था। समझौता जो लोगोवाल के साथ किया था संत लोगोवाल के साथ, उसमें हरियाणा के हितों को गिरवी रखा जा रहा। उस समझौते में जो धारा 9 की बात थी उसमें लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ जो पंजाब को दे दिया जाए, पंजाब रह गया। हरियाणा के बंटवारे के समय में जो 107 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को मिलने चाहिए वो भी कह दिया था कि पंजाब को दे दिया जाए। यमुना का जो पानी हमें मिलता है उस पानी में भी कटौती कर दे। चौधरी देवीलाल ने उसका विरोध किया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा देकर के ये भी कहा था कि जब तक यह समझौता रद्द नहीं हो जाए मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, पर उन्होंने न्याय आंदोलन शुरू कर दिया। बैल का उपचुनाव और उस उपचुनाव में चौधरी देवीलाल फिर से जीत कर गया। इस्तीफा मैंने भी दिया था विधानसभा, लेकिन मैंने जो इस्तीफा दिया था वो देश के किसान के खिलाफ प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून बना दिए और उन काले कानूनों के खिलाफ जो है पूरे देश के किसानों ने इकट्ठे होकर के विरोध किया। किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर हमें समर्थन दे तो पहले इस्तीफा दे करके आए। हरियाणा के अंदर अनेक विधायकों ने अनेक नेताओं ने ये बात कही थी कि अगर किसान नेता हमें चल करके आ करके कहेंगे कि इस्तीफा दे करके हमारी लड़ाई लड़ो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये बातें कही तो बहुत लोगों ने, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। मैं हजारों साथियों को सरसा से अपने साथ लेकर के ट्रैक्टर के माध्यम से कुंडली के बॉर्डर पर गया। अब जब मैं कुंडली पहुंचा तो वहां जो किसान मोर्चा के नेता थे उन्होंने
जहां मेरा स्वागत किया, जहां उन्होंने मेरा धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि अगर आज चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते तो आज आंदोलन का रूप दूसरा होता। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात से जो इशारा तुम मुझे कर रहे हो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं अपने हल्के के लोगों से मिलकर पूछ करके फिर फैसला लूंगा। मैंने कहा जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, जिन्होंने मुझे चिता करके भेजा है, मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं उनसे जाकर के पूछूं। और मैं अगले दिन ही अपने हल्के में चला गया। मैंने 78 के 78 गांव में जाकर के लोगों से बैठ करके विचार विमर्श किया और पूछा। मेरा जो है वो सारा का सारा खेती करने वाले लोगों के और सब उस आंदोलन में कहीं ना कहीं अपनी जो भी जितनी जिम्मेदारी होती थी निभाने का काम करते थे। हर गांव से ट्रैक्टर गाड़ियां जाकर के वहां उस समर्थन में उस धरने के समर्थन में लगी। मैंने जब उनसे पूछा तो वो कहने लगे जो मर्जी फैसला ले ले हम तेरे साथ हैं। तो मैंने कहा था 26 तारीख तक या तो आंदोलन खत्म हो या 3 कृषि के काले कानून वापिस हो, जो 27 जनवरी को अस्तित्व है। मेरा जो अस्तित्व था वो तो किसानों के लिए था, किसानों की लड़ाई के लिए, लेकिन कुलदीप ने अस्तित्व क्यों दिया ये तो कुलदीप को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। उसने कोई अस्तीफा इसलिए नहीं दिया के लोगों के साथ में सरकार विश्वासघात करती। यादवपुर के लोगों की कोई अनदेखी हो रही थी जिसको वो सह नहीं कर पा रहे थे। हालत तो ऐसी थी 3 साल में मेरे साथ बैठते हम दोनों की विधानसभा में सीट कटी है, जैसे ये दोनों बैठे ऐसे बैठे और मैंने 3 साल ये निकल के 5 साल पिछले निकल गए। 8 वर्ष में एक दिन भी कुलदीप को आदमपुर हल्के के बारे में विधानसभा में चर्चा करते हुए नहीं देखा। एक दिन भी उसने आदमपुर की क्या समस्या उसके बारे में जिक्र नहीं किया। विधानसभा में जाते हैं जाकर के दस्तखत करके 10 मिनट बात करते हैं, मुझे तो काम है जा। जिस व्यक्ति ने कभी आपके बारे में सोचा भी नहीं, आजकल कहता है बयान देता है, मैंने उसके बयान सुने, कहते मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर 3.5 करोड़ रुपए हल्के में खर्च कर दिए, हर सिलेंडर में कोई पीछे लगा कोई एक पीछे नहीं लगाया। अब कहते हैं मैं 550 करोड़ रुपए और लेकर के आऊंगा, 550 करोड़ लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा ये तो बात की बात है। आज की तारीख में तो मेरे का एक ही कारण है कि उसके खिलाफ इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। अब उस इनकम टैक्स की रेड के अंदर 200 करोड़ रुपए का विदेशों में लेन देन हुआ था उसकी जानकारी मिली, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। और मुकदमा से कैसे बचा जाए इसके लिए इसने इस्तीफा दिया। पहले तो आगे वोट मांगता था, कहता था अपने मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मुझे वोट दे देगा। अब मुख्यमंत्री आगे देश से बाहर हो गया नहीं हो गया, अब तो मुख्यमंत्री आ रहा तो आके कह ही नहीं सकता भी मुझे वोट दे दो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब तो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहा, केवल अपने बेटे को स्थापित करना चाहता है राजनीति में, कल को उसको कहीं कैद हो जाए तो बेटा तो कम से कम अंडा जब जाए। आज केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप लोगों को चुनाव में इन्होंने रोकने का काम किया। ऐसे लोग जब गांव के अंदर आए तो उनसे पूछो तो फिर भी तेने इस्तीफा दिया क्यों, कारण तो बता हमें, कारण कोई नहीं बता सकते। एक तरफ तो कुलदीप बिश्नोई है जिसने तुम्हें इलेक्शन में झोंक दिया, और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने यहां 2009 में चुनाव लड़ा, उसके बाद दोबारा कभी आया नहीं, और आजकल नई बात कहता है
उन्हें बागड़ी निकाले तो रट से काम हुआ है कितना हो गया उसने कही है कि नहीं कही है आप मुझे ये बताओ ये सारा इलाका बागड़ी हुआ है ना बागड़ी तो कोई तुम्हें ना किसी घर करके वोट लेकर के अंग्रेजों से नहीं डरे तो फिर ये पता से कौन डरे जो व्यक्ति इस किस्म की भाषा बोलता है उसका नाम इतना नोटरो और उसको कहो तेरी जो भाषा है उसका सबक हम बोर्ड से सिखाएंगे तेरे एक तरफ आपके बीच में चौधरी कूड़ा राव जो उम्मीदवार है जो आपके संघर्ष के साथी हैं चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे लेकिन जब कभी भी आपके इलाके में किसी तरह की कोई मुसीबत आई इन्होंने अपने काम छोड़ करके आपके बीच में खड़े होकर के आपकी लड़ाई लड़ी जब किसान आंदोलन चला था तो 13 महीने तक लगातार उस आंदोलन का हिस्सा रहे सारे स्नेहगढ़ से लोग भी गए होंगे उस आंदोलन में यहाँ से भी गए ये भी उस आंदोलन में सक्रिय थे उसके बाद अगर यहाँ पे पानी की दिक्कत आई थी तो उसकी लड़ाई भी लड़ी इन्होंने आपके साथ और उसके बाद ये मुआवजे का मामला जो चल रहा है सरकार ने तुम्हें एक बार की आश्वासन देकर के खड़ा कर दिया कि मुआवजा दे देगा लेकिन मुआवजा तब तक भी नहीं मिला नहीं मिला ना अभी तक मैं कौन मिला अब मुआवजा आएगा सारा क्योंकि चुनाव आ गया वोट लेने का इसलिए मुआवजा दे 17 तारीख से मैंने सुना कल से धरना फिर लगाए धरना लगाते तो कब फिर मुआवजा आ जाएगा गारंटी है तो साथियों वो व्यक्ति जिसने आपके साथ लंबी लड़ाई लड़ी है जिसने आपके साथ लंबे समय तक साथ खड़े रहे आप लोगों को अपने उपराय की पहचान करनी पड़ेगी कि आपका अपना सही मायने में कौन है आपका दुख सुख का साथी कौन है कौन आपके साथ खड़ा होकर के लड़ाई लड़ सकते अगर आपको लगे कि चौधरी कुलडा राम ने आपके लिए संघर्ष किया लड़ाई की आपके बीच में रहा तो फिर 3 तारीख को एक वोट एन एच के निशान पर लगा करके इनको भरे लोगों से जिताने का काम कर मैं तो आपसे कुछ निवेदन करने आया था आपसे बात करने आया था आपने मेरी बात सुनी आपका बहुत धन्यवाद जय हिंद जय